अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, जैसे कि आप सबको पता है कि हम मैट्रिक एफएससी फिजिक्स के पास्ट पेपर्स जो है वो सोल्व करने का एक सीक्वेंस जो वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स से हमने ये स्टार्ट किया और हम दो पेपर जो हैं वो सोल्व कर चुके हैं। हमने नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड 2019 और 2018 का पेपर जो है बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। हमने डिटेल वीडियोस बनाई हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बनाई है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाई है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाई है, और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये हम पहले नाइन्थ क्लास के ये पास्ट पेपर जो है वो सारे सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हम टेंथ क्लास की फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को सॉल्व करते और फिर हम मैथमेटिक्स की तरफ भी जाएंगे। तो खैर, आज जो है मैं जो पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ वो बेसिकली नाइन्थ क्लास का ही है। आपको नजर भी आ रहा होगा फिजिक्स SSC 1 सेक्शन ए 12 नंबर का, मतलब नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड फिजिक्स का पेपर है, 2017 ईयर है। तो आज हम इसका सेक्शन ए जो है वो बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा की तरह बता दूं कि ये इस तरह की जब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है तो उसके ऊपर इस तरह की डिस्प्ले होती है कि एक आपके पास डब्बा सा बना हुआ होता है 6 डिजिट्स वाला, वहां पे आपने क्या करना होता है, वहां पे आपने अपना 6 हिंसा जो रोल नंबर है वो आपने पुट करना होता है, अपने सिग्नेचर करने होते हैं, जो आपकी आंसर शीट है जिसके ऊपर आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिखने होते हैं, उस शीट का नंबर जो है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, और जो आपका इनविजिलेटर होता है जो आपके ऊपर ड्यूटीज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द पेपर, यहाँ पे उनके सिग्नेचर जो है वो होते हैं। तो रिवाइज सिलेबस है लिखा आपको नजर आ रहा है, जो 20 मिनट में जो आपने ये सेक्शन ये जो है वो सॉल्व करना होता है। आपको पूरा पेपर ऐसा नहीं दिया जाता, पहले आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर जो है वो दिया जाता है, और जब 20 मिनट गुजर जाते हैं उसके बाद ये आपसे पेपर जो है वो ले लिए जाते हैं, और इसके बाद जो है आपको थर्ड पेपर जो अब पेपर का जो रिमेनिंग पार्ट है जो सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है वो आपको जो है वो दिया जाता है। तो आपने टाइम शॉर्ट होता है तो आपने ये क्वेश्चन जो है 20 मिनट में ये पेपर जो है वो फिल करके आपने जो है वो रिटर्न करना होता है एग्जामिनर आपके जो इन्विजिलेटर्स को, तो आपने टाइम का ख्याल रखना है। और ये है कि एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन किसी में एम्बिग्यूटी भी हो, कोई आपको कंफर्म ना हो कि इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा, तो फिर भी आपने उसको जो है वो टिक करना है क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको टुक्का लग गया तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो यह कि आपने जो करेक्ट आंसर हो उसे सर्कल करना होता है, टिक नहीं करना, सर्कल करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है, और आपने काटना नहीं है। काटने से मुराद ये है कि आपने एक दफा इसको ऑप्शन को लगा दिया, बाद में आपको ख्याल है नहीं यार ये तो इसका राइट आंसर तो बी बन रहा था, फिर आपने उसे काट के ये लगा दिया, तो ये नहीं करना, आपने सोच समझ के टिक करना है, सर्कल करना है, एक ही दफा करना है, क्योंकि अगर आपने एक दफा काट दिया तो वो आप दोबारा फिर ठीक भी लगा दें तो आपका वो मार्क जो है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको 0 ही मार्क काउंट होगा उस क्वेश्चन के लिए। और सबसे अहम बात, आपने जो है वो लेड पेंसिल का यूज नहीं करना, आपने बॉल पॉइंट का यूज करना है, ब्लैक या ब्लू। चलें,
अब हम वीडियो का आगाज कर लेते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पेपर को। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, ईच पार्ट कैरीज वन मार्क। क्वेश्चन वन, अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। अच्छा जी, क्वेश्चन को समझ लें एक बार फिर। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक स्टूडेंट है आपकी तरफ, वो क्लेम करते हैं कि जो एक वायर है उसका डायमीटर जो है 1.032 सेंटीमीटर है, जब उसने मेजर किया है वेर्नियर कैलिपर यूज करके। ठीक है, तो सवाल ये है, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट, कहाँ तक आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो उसने लीस्ट काउंट डायमीटर फाइंड किया है तार का वेर्नियर कैलिपर यूज करके वो ठीक है। नीचे ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी वन, ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, 1.0 सेंटीमीटर। ये बेसिकली क्योंकि ये जो हमारे पास वेर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज होते हैं, यहाँ इनके लीस्ट काउंट होते हैं, लिहाजा इनके लिए ये पॉइंट्स बड़े मैटर करते हैं। ऑप्शन सी है 1.03 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी है 1.032 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये हम हाईलाइटर यूज कर लेते हैं, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 1.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन जो है सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया, 1.03 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन था, स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ वायर एज, अच्छा एक स्टूडेंट ने वेनियर कैलिपर से एक तार का जो है डायमीटर फाइंड किया 1.032 सेंटीमीटर, और वो हमसे पूछ रहा है कि उसका ये जो क्लेम है कि इस वायर का डायमीटर 1.032 सेंटीमीटर है, ये किस हद तक जो है वो ठीक है। नीचे उसने हमें 4 ऑप्शन दे दी और हमने अपने नॉलेज की बेस पे जो है ये डिटेक्ट किया कि उसका क्लेम जो है वो 1.03 सेंटीमीटर मतलब डिजिट तक जो है वो ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हुआ। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट। अच्छा याद रखें, आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट से मूव करें पॉइंट के फिर कैसे, क्या रूल्स हैं, राइट से मूव करें फिर क्या रूल है, सेंटर से मूव करें फिर क्या रूल्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए। आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन लाजमीन इस तरह का आते हैं, जस्ट क्या करेंगे यहाँ पे एक मेजर वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे, तो इससे कंसेप्ट तो क्वेश्चन जो कंसेप्ट है टॉपिक का वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो वही रहेगा। तो खैर समझते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 0.00450 kg। ये एक मेजर वैल्यू है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितने हैं। तो अब देखें, अब लेफ्ट साइड से आप चल रहे हैं 1 2 3, हम यहाँ पे सपोज आते हैं 4 पे आएंगे तो क्या होगा, एक हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब है लेफ्ट से हम 4 तक आने तक हमें कितने डिजिट मूव करना पड़े, 3 डिजिट मूव करना पड़े ना, तो जहर है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट तक मूव करते हैं ना, तो फिर वहां पे पॉइंट हम लगा देते हैं, रूल यही होता है ना हमारे पास। तो हम कितना मूव कर रहे हैं, 3 डिजिट, 0.004 यहाँ पे डाल लगाए, तो 3 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट मिगर्स हैं इन इस मेजरमेंट के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट 0.00450 kg के अंदर कितने हैं, 3। तो इस क्वेश्चन को हमने
समझ लिया। और अगर सपोज ये क्वेश्चन इस तरह होता कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 0.000450, तो फिर कितना होता फिर, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो और आ रहा है, तो हमें इस पॉइंट से इस फोर तक आते हुए 3 सिफर और फिर एक चार को भी क्रॉस करना पड़ता, तो फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इस मेजरमेंट में होते, तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है और ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, इनमें से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कौन सा ग्राफ जो है वो शो कर रहा है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ देख के पता चल जाना चाहिए कि इनमें से कौन से ग्राफ जो है वेलोसिटी को शो कर रहे हैं और कौन से ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। तो कोई आइडिया है आपको कि इनमें से कौन सा वेलोसिटी शो कर रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन शो कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, देखें जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, एक वो क्या होती है, वो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी को शो करता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक्सेलरेशन को शो करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। इसका मतलब है क्योंकि ये डी टी के ग्राफ्स हैं डिस्टेंस टाइम के, तो ये दोनों जो है वो वेलोसिटी को शो कर रहे हैं, इनका तो एक्सेलरेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और ये जो दोनों ग्राफ्स हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये दोनों एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं, तो इन दोनों में से ही कोई राइट आंसर जो है वो हमारा होना चाहिए। अब देखें तो हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक करेक्ट है। तो अब सेकंड आप स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन की, वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कौन शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो हर इंटरवल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो शो करती है कि यूनिफॉर्म मोशन है, जबकि ये एक इरेगुलर कर्व है, ये नॉन यूनिफॉर्म या वेरिंग वेलोसिटी को शो कर रही है। इसका मतलब है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, और इस तरह हमने क्वेश्चन 3 को भी बड़ा सक्सेसफुली और केयरफुली सॉल्व कर लिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जो है वो शो कर रहा है प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अ चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड, पोजिशन में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपको याद हो तो 2019 में आई गेस हमने ये सॉल्व किए कि पोजिशन में जो चेंज होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसे हम जो हाँ जो पोजीशन में चेंज होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर्ड होता है पर यूनिट टाइम उसे हम स्पीड कह रहे होते हैं। तो ये आपको डेफिनेशंस जो है वो आनी चाहिए। तो चेंज इन पोजीशन क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इन चार ऑप्शन में से बताएं मोमेंटम की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ऑप्शन सी न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी न्यूटन पर सेकेंड। अब यूनिट के लिए सबसे पहले जो है आपको फार्मूला आना चाहिए, मोमेंटम का फार्मूला। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होते हैं। मैं टेक्स्ट शुरू कर लेता हूँ। मोमेंटम क्या होता है? मैस इनटू वेलोसिटी होता है। अब मैस का क्या यूनिट होती है? केजी, और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये पावर में है दोनों, ठीक है, ये जो है दोनों चीजें जो है पावर में है। ओके, तो
अब देखें केजी मीटर पर सेकंड, अब यहाँ पे देखें कोई इस तरह की यूनिट गिवन है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, मतलब यहाँ पे -2 है पावर में, ये चीज नहीं गिवन। अब न्यूटन के साथ इसका कोरिलेशन बनाते हैं। अब न्यूटन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, मतलब न्यूटन जो होता है वो हमारे पास जो है, न्यूटन जो है वो हमारे पास होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो, ये भी जो है हमारे पास क्या होता है, पावर में होता है। और यहाँ पे हमारा केजी मीटर पर सेकेंड है, ठीक और अब देखें ठीक है, यहाँ पे केजी मीटर S-1 है, यहाँ केजी मीटर S-2 है, तो यहाँ पे अगर 1 सेकेंड डिवाइड हो रहा हो तो ये न्यूटन बन जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये जो ऊपर वाली चीज है ये जो है इसे हम लिख लेते हैं न्यूटन, और 1 सेकेंड अगर डिवाइड हो रहा हो ना तो इसका मतलब है हमें यहाँ सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो ये आप देखें, आप ये हमारे पास जो है वो यूनिट बनेगी इसकी मोमेंटम की। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, ऑप्शन सी है ये हमारे पास, कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है कि न्यूटन सेकंड जो है वो राइट यूनिट है मोमेंटम की। देखिए इनडायरेक्ट वे में हमने यहाँ से मोमेंटम की जो है वो यूनिट निकाली है। वैसे मोमेंटम की यूनिट हम पता है कि मोमेंटम को फार्मूला एम वी होता है, एम के जी वी मीटर पर सेकंड, तो के जी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी, यहाँ के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस तरह की चीजें मौजूद थी। हालांकि जो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड जो है हम खुद से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 1 सेकंड से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हम के जी मीटर पर सेकंड को हम ये लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह मोमेंटम के हमारे पास एक दूसरी यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड भी है, तो ये आपने याद रखनी है। चलें अब क्वेश्चन नंबर जो है हम बात कर लेते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर, कोई भी फोर्स हो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो कितने होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, कोई भी फोर्स हो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो हमेशा 2 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज, कह रहा है कि चांद की सरफेस के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून, एक बॉडी है जिसका वेट 100 किलोग्राम है मून की सरफेस पे, उसका एक बॉडी जिसका मास 100 kg है, मून की सरफेस पे उसका वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखें हमें पता है कि एक कोई बॉडी हो, अगर उसका हमें मास गिवन हो और अर्थ की सरफेस पे उसका वेट हमने निकालना हो, तो हम सिंपल डब्ल्यू इक्वल टू एम जी कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मास उस ऑब्जेक्ट हमें गिवन है और जमीन की सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी तो 10 ही होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ही कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में भी यूज करना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस गिवन है कि हमने ऑब्जेक्ट का वेट बताना है लेकिन मून की सरफेस पे। अब देखें, अब मून की सरफेस है, अर्थ की सरफेस नहीं है, तो क्या चीज चेंज होगी वहां पे चेंज होगी बेसिकली वैल्यू ऑफ जी, और वो उसने हमें बता दिया है कि मून की सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो बेसिकली 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फार्मूला आप यूज कर लेंगे सिंपल के डब्ल्यू इक्वल एम जी, ठीक है। और एम आपके पास है 100 kg, 100 kg रहने और जी 1.6 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 160 न्यूटन, आई थिंक आएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो 160 न्यूटन जो है इसका जो है राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर एट है, वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज, वर्क डन कब जीरो होगा, जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो है एंगल क्या होना चाहिए। अच्छा तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए वर्क डन क्या होते हैं। वर्क डन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होते हैं, या डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्टेंस का, एफ डॉट डी। जब डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है तो हमारे पास एफ डी कॉस थीटा बन जाते हैं। तो आप कॉस थीटा में थीटा की जगह आपने ये सारी वैल्यूज पुट करके देखनी है, और जहां पे जवाब जीरो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने यही कहा है कि वो एंगल बताओ जो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जब हो तो वर्क जीरो हो जाए। अब आपको पता है कॉस 45 जीरो नहीं होता, कॉस 60 जीरो नहीं होता, लेकिन कॉस 90 एक ऐसी वैल्यू है जहां पे कॉस 90 जो है वो जीरो होता है। तो आप अगर कॉस थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो कॉस 90 जीरो होगा। तो जीरो जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर जीरो कर देता है। तो वर्क कब जीरो होगा, जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल जो है वो हमारा 90 हो। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, एंगल 90 जब होगा तब वर्क जो है वो जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जूल, इसकी स्पीड क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी जिसका मास 2 kg है वो बता दिया कि उसकी 25 जूल जो है काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी स्पीड क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है, हाफ एमवी स्क्वायर होती है। तो आप लिख लो काइनेटिक एनर्जी को कि 25 जूल बराबर है हाफ एम टू है मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, मैं आपको लिख देता हूं, बल्कि काइनेटिक एनर्जी इस तरह लिखते हैं, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसने बता दिया कितनी है, 25 इक्वल टू हाफ एम बता दिया उसने कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर ठीक है। अब देखें ये हाफ का जो ये जो 2 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड होगा इधर आके तो 25 बन जाएगा। तो 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास जो बी है दोनों साइड से अंडर रूट लोगे होते हैं वो अंडर रूट 25 आएगा, और अंडर रूट 25 जो है वो 5 होता है, तो आपके पास जवाब जो है वो 5, और इसकी यूनिट क्योंकि मीटर पर सेकंड होती है तो 5 मीटर पर सेकंड जो है वो आपका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए जो है वो बनती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की 25 जूल हो और इसका मास 2 kg हो तो इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, या आपने हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला से जो है निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वंस, ये 4 ऑप्शन गिवन है, कॉपर मर्करी एल्यूमिनियम लेड। वो कह रहा है कि पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे हल्का एलिमेंट जो है सब्सटेंस जो है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। ये लाइटेस्ट एलिमेंट का कैसे पता चलता है, ये बेसिकली पता चलता है इनके एटॉमिक मास से। अब कॉपर मर्करी लेड इन तीनों के एटॉमिक मास जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है ठीक है, तो इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो राइट आंसर है ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, ये 4 एलिमेंट हैं, इनमें से किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, कॉपर आइस वाटर मर्करी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वाटर, कॉपर आइस वाटर मर्करी में से वाटर ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट जो है बाकी 3 से ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल, अगर एक वॉल है दीवार है उसकी थिकनेस हम अगर डबल कर दें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी और थिकनेस की रिलेशन क्या है, और मजे की बात ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी और थिकनेस की कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, मतलब
थर्मल कंडक्टिविटी में थिकनेस का जिक्र ही नहीं आता। इसका मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी थिकनेस के चेंज करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा जो है थिकनेस डबल करने से या कम करने से जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सेम रहेगी। तो ऑप्शन जो है वो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। तो इस तरह हमने जो है वो क्या किया, इस पेपर को जो है वो हमने सॉल्व कर लिए। तो मैं आपको एक क्विक गो थ्रू दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है वो फिजिक्स क्लास 9 फेडरल बोर्ड 2017 का पेपर जो है वो स्टार्ट किया। आज के लेक्चर में हमने जो है पहले सेक्शन ए जो है वो स्टार्ट किया। इसमें 20 मिनट इसमें होते हैं और 12 एमसीक्यूज होते हैं। तो हमने क्वेश्चंस को वन बाय वन देखा। हमने पहले देखा कि अगर कोई स्टूडेंट क्लेम करता है कि उसने वर्नियर कैलिपर से एक तार का डाया फाइंड किया और वो डाया मीन डायमीटर वो 1.03 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ कि किस हद तक उसका क्लेम है वो ठीक है। तो हमने कहा वो 1.03 सेंटीमीटर तक ठीक है। फिर हमने कहा कि कोई भी मेजरमेंट गिवन हो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हो तो वो हम कैसे बताते हैं, हम डॉट से स्टार्ट करते हैं और जहां नॉन जीरो डिजिट आ जाए वहां पे एक डॉट लगा देते हैं। तो उस डॉट से उस डॉट तक आने तक जितने बीच में वर्ड आ रहे हैं वो काउंट करके हम बता देते हैं कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और हमारे इस स्पेसिफिक केस में क्योंकि हम यहाँ से शुरू हुए और 4 के बाद हमने एक डॉट लगाया तो 3 स्टेप हमने मूव किया तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर हमने कहा कि ये जो ग्राफ बड़े अहम होते हैं तो हमें कैसे पता, अगर ऐसा ग्राफ जो डी और टी के दरमियान हो तो वो हमेशा वेलोसिटी के बारे में बताता है, तो इसने तो एक्सेलरेशन को पूछा है, तो पहली दो ऑप्शंस तो हमारे पास हो ही नहीं सकती, तो दूसरी दो ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है। अब उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा है तो यूनिफॉर्म के लिए उस जरूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी हमने कहा जो वो एक ऐसा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जो है वो शो कर रहा है। चले फिर हम आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट हमने डेफिनेशन कही कि पोजीशन चेंज है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होती है। फिर हमने कहा कि मोमेंटम की यूनिट जो है वैसे केजी मीटर पर सेकंड होता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है एमवी, लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन नहीं गिवन। तो हमने कहा कि अगर केजी मीटर पर सेकंड जो है इसे हम सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, ये न्यूटन सेकंड बन जाएगा, और वो ऑप्शन हमारे पास जो है वो मौजूद थी। तो हमें पता ये चला कि सम टाइम हम कोई यूनिट बनानी हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके बना सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया तो उसकी डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक उसकी किसी और चीज के साथ रिलेशन जो हमें पता चल गई, जिस तरह यहाँ पे न्यूटन के साथ पता चल गई, तो न्यूटन सेकंड भी जो है एक यूनिट है मोमेंटम की। फिर हमने कहा कि किसी भी फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं हमेशा। फिर हमने कहा कि अगर हमने जिस तरह अगर अर्थ की सरफेस पे अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें गिवन हो और हमने उसका वेट फाइंड करना हो तो W इक्वल टू एम जी हम कर सकते हैं, जी 10 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट का वेट हमने मून पे फाइंड करना हो तो वो डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि मून के ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिफरेंट होगी, और अगर वो वैल्यू हमें गिवन हो तो हम मास को इस वैल्यू ऑफ जी से मल्टीप्लाई करके जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो मून के ऊपर भी बता सकते हैं। फिर हमने कहा कि वर्क डन जो है फाइंड करना है, वर्क डन उसने कहा कब जीरो होगा जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल क्या हो, तो सिंपल वर्क डन हम पता है कि एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा में आप 45 फुट करें, 60 फुट करें, 90 फुट करें, 180 फुट करें, जहां जवाब जीरो वो आपका वर्क डन उस एंगल पे जीरो होगा, और लकली वो 90 ऐसा एंगल है जहां कॉस 90 जीरो होता है, तो 90 एंगल पे जो है वर्क डन फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जीरो होता है। फिर हमने कहा काइनेटिक एनर्जी अगर हमें गिवन है तो मास भी गिवन है तो स्पीड कैसे फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह 25 लिखें, हाफ एम की जगह 2 लिखें, वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, थोड़ा सिंपल करें, वी स्क्वायर आपके पास आ जाता है 25 के बराबर, और जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड अंडर रूट खत्म करने के लिए तो वी आपके पास जो है 5 मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाता है, जो भी ऑप्शन ए बनती है। फिर हमने कहा कि इन चार में से बताएं
कौन सा लाइटेस्ट सब्सटेंस है, तो वो हमारे पास एल्यूमिनियम बनता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो है लेड, मरकरी और कॉपर के मुकाबले में कम है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो लाइटेस्ट सब्सटेंस है। फिर हमारे पास क्वेश्चन था कि कॉपर, आइस, वाटर, मरकरी में से स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है, तो वो वाटर की ज्यादा है। फिर हमने ये कहा कि थिकनेस वाल की अगर डबल कर दें थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने ये डिटेक्ट किया कि थर्मल कंडक्टिविटी पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी का थिकनेस के साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये इस पेपर का पार्ट वन कंप्लीट होता है। इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड कर लेते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।